नमस्कार, हम आप सभी का मैं फिर से स्वागत करती हूँ चैनल में। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ब्यूटी टिप्स, फेस पैक जो ड्राई स्किन के लिए रहेगा, जिनकी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है और उन्हें एक्ने स्कार है, उन्हें डार्क स्पॉट है और उन्हें पिगमेंटेशन है, तो उनके लिए ये फेस पैक सूटेबल है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको ये वाला फेस पैक नहीं यूज़ करना है, सिर्फ ये ड्राई स्किन वालों के लिए है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसके लिए फेस पैक लगाने का भी एक सही तरीका होता है और एक सही समय होता है। तो सही तरीका ये होता है, जब भी हमें फेस पैक लगाना हो तो हमें पहले मेकश्योर करना चाहिए कि हमें घर से बाहर नहीं जाना है, घर में ही रहना है फेस पैक लगाने के बाद और उसे रिमूव करने के बाद, राइट। पहले हमें ये डिसाइड कर लेना है। और फेस पैक लगाने का सही समय मेरे हिसाब से, जब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो हमेशा शाम को या फिर रात को लगाना चाहिए, क्योंकि हम रात को घर पे रहते हैं और फेस पैक लगाने के बाद और उसे हम जब वाइप उसे हम क्लीन कर लेते हैं, चेहरा वॉश कर लेते हैं, उसके बाद हमें किसी भी प्रकार का कोई सा भी केमिकल बेस्ड क्रीम का यूज़ नहीं करना है। ये एक तरीका होता है। तो फेस पैक बनाने के लिए आपको क्या क्या लेना होगा, इसमें आपको लेना होगा राइस फ्लावर, राइस फ्लावर मतलब चावल का आटा, दही, और आपको लेना होगा पिंच ऑफ टर्मरिक इट मीन्स हल्दी। यहाँ पे आपको हल्दी यूज़ करना होगा, आंबा हल्दी या फिर कस्तूरी हल्दी। आपको अपने जो किचन आपके जो तड़के वाली जो हल्दी होती है वो नहीं यूज़ करना है। अगर आप वो हल्दी को घर पे पीसते हैं, बनाते हैं, तो आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप उसे रेडीमेड ख़रीद के लेकर आते हैं टर्मरिक पाउडर, तो फिर आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जितने भी आप टर्मरिक पाउडर ख़रीदेंगे ना, तो वो आपको कलर मिले हुए हैं और साथ में किसी न किसी प्रकार का मिलावट रहता है। अगर आप घर पे लेकर आते हैं उनसे हल्दी की गांठ और उसे आप घर पे ग्राइंड करते हैं, तो वो नेचुरल होती है और उसमें किसी प्रकार का एडल्ट्रेशन नहीं होता है। तो अगर आपके पास इस तरीके की हल्दी है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप कस्तूरी हल्दी ख़रीद सकते हैं, ये अमेज़ॉन पे मिल जाती है या फिर आप अपने लोकल मार्केट में भी देख सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, दो चम्मच आपको लेना होगा इसमें राइस फ्लावर। राइस फ्लावर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, चावल लेना है और उसे ग्राइंड कर लेना है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि चावल में किसी प्रकार का केमिकल लगा हुआ रहता है जिससे उसमें कीड़े वगैरह ना लगे, ये आप सब हम सब जानते हैं, क्योंकि सबको पता है उसमें किसी प्रकार का पाउडर रहता है, केमिकल पाउडर जो कीड़े वगैरह से बचाता है अनाज को। तो चावल को अच्छे से पहले वॉश कर लेना है, धो लेना है 2-3 पानी से, और फिर उसके बाद आपको अपने घर में ही टेबल पे उसे अपने कॉटन फैब्रिक पे फैला के रख देना है, या फिर आप धूप में भी रख सकते हैं, जल्दी सुखाना है, या अगर आपके घर में धूप नहीं आती तो आप अपने घर के अंदर भी उसे सुखा सकते हैं। 7-8 घंटे में आराम से सूख जाते हैं चावल। इसके लिए भी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जस्ट आपको थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है गैस पर, हल्की हल्की आंच में, ताकि चावल बिल्कुल भी बर्न नहीं होना चाहिए और वो सूख जाना चाहिए जो जल्दी सूख जाते हैं। तो उसके बाद आपको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है, सिर्फ 5-10 मिनट की मेहनत है, एक बार करना रहेगा आपको, फिर चावल का आटा 6-7 महीने तक आपको मिलता रहेगा, अमेजोन पर मिलता है राइस फ्लावर। तो राइस फ्लावर लेना है आपको 2 चम्मच, और उसमें आपको लेना है आधा चम्मच कर्ड मतलब दही, और फिर उसके बाद उसमें मिला देना है आपको 1 पिंच हल्दी। अगर आपको हल्दी नहीं सूट होती है तो आप इसे नहीं ऐड करना, अगर आपको सूट हो जाती है तो आप ज़रूर मिलाना, क्योंकि हल्दी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारी फेस पे जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं पिंपल्स के या फिर एक्ने के, वो सारे डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें दोबारा पिंपल्स नहीं होते हैं। पिंपल्स होने की 2 रीज़न भी हो सकते हैं, या तो आपको इंटरनल प्रॉब्लम हो, या फिर आप एक्सटर्नल यानी कि किसी प्रकार का आपको प्रोडक्ट रिएक्शन कर गया है, या फिर आप अपने फेस को वॉश नहीं करते हैं प्रॉपर, आप अपने चेहरे पर ध्यान नहीं देते हैं, इस वजह से भी हमें पिंपल्स होती है और उसके हमें निशान बन जाते हैं, किसी को पिंपल्स के ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं, या फिर किसी को एक्ने स्कार हो जाते हैं, तो इस तरीके की प्रॉब्लम होती रहती है। अब फेस पैक लगाने के लिए आपको सही टाइम मैंने आपको बताया रात को, तो फेस पैक लगाने के पहले आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है जिससे भी आप करना चाहते हैं, उसके बाद आपको फेस को वाइप कर लेना है, फिर उसके बाद फेस पैक लगा लेना है जो हमने अभी बनाया, इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से फेंटना है, ताकि इसमें से थोड़ा सा फ्लफ़ी सा टेक्स्चर बन जाना चाहिए, फूला फूला सा। उसके बाद आपको फेस पे लगा लेना है और इसे अपने जहाँ पे भी स्पॉट्स बने हुए हैं उस एरिया पे आपको हल्की बिल्कुल हल्की हाथों से बिना कोई प्रेशर दिए हुए मसाज करना है, जिससे आपके फेस पे वो जो डार्क स्पॉट या फिर एक्ने स्कार बने हुए हैं तो वो सारे धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगे। और एक बात
ध्यान देने वाली बात है, दो टिप्स मैं आपको बता दे रही हूँ कि इसे आपको वीक में 3 टाइम ही यूज़ करना है, 3 से ज़्यादा बार आपने बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए। सेकेंड टिप्स आपकी ये है, अगर आपको पिंपल्स है तब आपको ये वाला फेस पैक बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए। ये फेस पैक उनके लिए है जिनके फेस पे एक्ने स्कार है और उन्हें डार्क स्पॉट्स बने हुए हैं, पिंपल्स नहीं है, उन्हें ये वाला फेस पैक यूज़ करना चाहिए। पर आप इसे हफ्ते में 3 बार भी यूज़ करेंगे और आप इसे 1 महीना कंटिन्यू रखेंगे तो आप नेक्स्ट मंथ देखेंगे कि आपके फेस पे एक्ने स्कार काफ़ी हद तक कम हो चुके होंगे, वो भी नेचुरल तरीके से, और डार्क स्पॉट तो बिल्कुल ही तरीके से रिमूव हो जाते हैं, लगेगा ही नहीं आपको वहाँ कभी डार्क स्पॉट हुआ करते थे। डार्क स्पॉट तो बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो जाते हैं, बट एक्ने स्कार में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लगभग 1 या 1.5 महीने का। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को कीजिए लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी जिन्हें ये प्रॉब्लम है। और ये चैनल पे आए हैं पहली बार तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब इसी प्रकार की और इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए। और इस वीडियो को लास्ट तक सुनने और देखने के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।